एक साथ एक कोच को 9 से 3/8 घंटे में बोल सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल कोच को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक वाला अलग से कोच को भरने का समय क्या है? तो बड़े व्यास वाला नल और कम व्यास वाला नल क्या होता है? बड़े व्यास जिसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, कम व्यास वाला नल जिसकी चौड़ाई कम होती है। जैसे खेतों में ट्यूबवेल लगे हुए होते हैं, देखे होंगे सभी ने, वो ट्यूबवेल काफ़ी चौड़ा होता है, उसमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी जाता है। और जो घरों में हमारे पानी के पाइप लगे होते हैं, वो उनका डायमीटर, उनका व्यास कम होता है, वो बिल्कुल ऐसे पतले पतले होते हैं, इतने चौड़े होते हैं। और जो ट्यूबवेल होते हैं गाँव में खेतों में, वो इतने छोटे छोटे इतने होते हैं, इतना चौड़ाई होते हैं। तो अगर हम एक टैंकी को भरने के लिए उस खेत वाले ट्यूबवेल का उपयोग करें, उस पाइप का उपयोग करें, और एक जो हमारे घरों में पाइप होते हैं उसका उपयोग करें, तो कौन सा जो पाइप हो जल्दी टैंकी को भरेगा? जो खेत में जो बड़े व्यास वाला है वो वाला जल्दी भरेगा, यानी वो समय कम लेगा। और जो घरों में पाइप लगी होती है, यदि उससे उस पाइप से हम टैंकी को भरने की कोशिश करें, तो उसका डायमीटर कम होता है, उसमें पानी कम जाता है, तो वो टैंकी को भरने में ज़्यादा समय लेगा। यही बात इस क्वेश्चन में की गई है कि बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में, वो यानी कि पानी की टैंकी, कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय। दोनों पाइप इतना इतना समय लेते हैं, वो हमें निकालना है। माना कम व्यास वाले नल से कम समय लेता है, तो हम कम व्यास वाले नल का ही समय मानेंगे, जिससे ज्यादा है कम उसी को मानेंगे। माना कम व्यास घंटे का काम इसका ये है, तो 75/8 का कितना होगा?
75 बटे 8 घंटे में, 9 से 3 बटे 8 घंटे में वो कितने होट्स को बदे हैं, दोनों मिलकर भी कितने होट्स को बदे हैं, एक होट, एक पानी का होट। बड़े व्यास वाला नल भी इसमें छोड़ दिया, कम व्यास वाला नल भी इसमें छोड़ दिया, दोनों मिलकर के 9 से 3 बटे 8 घंटे में उस होट्स को पूरा भर देते हैं, फुल कर देते हैं। तो 9 से 3 बटे 8 घंटे के काम को हम छोड़ दें, दोनों नल छोटे कम व्यास वाले नल का 75 बटे 8 घंटे का काम है और ये बड़े व्यास वाले नल का 75 बटे 8 घंटे का काम है, दोनों मिल करके कितने होट्स को बने हैं, एक पानी का होट। इसलिए इक्वल में क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब हम इसका एक्स लेते हैं, आर आर तो दोनों में एक ऐसा है वो एक बार आएगा, फिर ये एक्स और ये एक्स माइनस सेम है, वो एक बार है, जो अलग अलग है वो दो होना चाहिए, एक्स अलग है और ये एक्स माइनस एक्स अलग है, क्योंकि इसके साथ माइनस एक्स तो ये दोनों आ जाएंगे, इन दोनों में से एक। अब इसको इससे भाग देंगे, आठ एक्स से आठ एक्स कट जाएगा, ये बच गया, इसको 75 से घुमा देंगे, 75 इंटू एक्स माइनस
132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से एक घंटा कम समय लेती है, क्योंकि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल क्या है? तो देखो, एक्सप्रेस गाड़ी की जो चाल है वो किससे ज़्यादा है? सवारी गाड़ी की चाल से ज़्यादा है, तो जिससे ज़्यादा है हम उसको
मातु में अंदर 24 है, तो दोनों मतों की भुजाएं क्या थी? दो मत हैं, उनकी भुजाएं हमें निकालो। वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? दो वाई स्क्वायर।
इस वाई